फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ही नई और लेटेस्ट 2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जो गाड़ी है, हर कोई इसके लॉन्च का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। देखते हैं इस गाड़ी को। यहाँ पर फ्रंट में हमको एक बड़ी ग्रिल अब मिल रही है, काफी बड़ी है ये पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में। ये टॉप ऑफ द लाइन 38+ वेरिएंट है, इसलिए हमको इसमें एलईडी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये जो हेडलैम्प्स है, ये कुछ इस तरह का एल्यूमिनेशन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोवाइड करते हैं। नीचे की तरफ इसमें DRL दी गई है और ऊपर की तरफ इसमें एलईडी प्रोजेक्टर दिया गया है। ये लो बीम और हाई बीम दोनों आप इसके यहाँ पर देख पा रहे हैं। गाड़ी के अगर हम लोग लोअर वेरिएंट की बात करें, ZDI या VDI वेरिएंट की, तो उसमें इस तरह का हेलोजन वाला हेडलैम्प हम लोग को मिल जाता है जो नॉर्मल एल्यूमिनेशन देता है। जो गाड़ी है, इसमें नीचे यहाँ पर हम लोग को फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। नीचे एक छोटा सा एयर डैम यहाँ पर दिया गया है काफी बड़ी ग्रिल के नीचे, जिसमें बीच में जो बॉडी का कलर है उससे इसको डिवाइड करा गया है। अगर हम लोग बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो गाड़ी साइड से काफी अच्छी लगती है। टू डोर का इसको यहाँ पर लुक देने की कंपनी ने कोशिश करी है। एडिक्वेट साइज के रियर व्यू मिरर गाड़ी में हम लोग को दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर को हम ऑलरेडी डिजायर पर देख चुके हैं। कीलेस एंट्री के साथ में गाड़ी आती है। डोर पर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर हम लोग को मिल जाता है। अगर चाबी देख में तो रिक्वेस्ट सेंसर दबाना और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी के अगर व्हील्स की बात करें, तो 15 इंच के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में हम लोग को यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं। अगर टायर के साइज की बात करें, तो 185/65R15 साइज का टायर हम लोग को यहाँ पर इस गाड़ी में मिल रहा है। ये मैं वापस बताना चाहूंगा, ZDI+ वेरिएंट का, ZDI वेरिएंट में भी 15 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, पर वो डायमंड कट नहीं है और कुछ इस तरह के लुक में हम लोग को मिल जाता है। VDI वेरिएंट में हम लोग को नॉर्मल व्हील मिलता है, स्टील का व्हील जिसको बोलते हैं, और उसका साइज भी 14 इंच का मिलता है। 165/80R14 साइज का टायर उस व्हील पर हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी का जो रियर डोर है, उस पर जो डोर हैंडल है, वो यहाँ पर साइड में दिया गया है, और उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग को एक सी पिलर पर ब्लैक कलर का क्लैडिंग मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर सिंगल पोल का एंटीना हम लोग को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें गाड़ी के रियर सेक्शन की, तो गाड़ी का जो रियर है, वो भी कंपनी ने यहाँ पर पूरी तरह से डिजाइन कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुजुकी का लोगो यहाँ पर लगा और स्विफ्ट का बैच लगा है। ना कोई वेरिएंट का बैजिंग हम लोग को पीछे मिलता है, और ना ही मारुति सुजुकी का बैच हम लोग को इस गाड़ी में पीछे यहाँ पर मिल रहा है। गाड़ी के टेल लैंप्स की बात करें, तो LED टेल लैंप्स का ऑप्शन हम लोग को इस नई वाली सूट में यहाँ पर मिल जा रहा है। ये जो टेल लैंप्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये LED वाले यूनिट है। कुछ इस तरह का एल्यूमिनेशन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टेल लैंप प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने ब्रेक दबाया, तो बीच में जो छोटे छोटे LEDs है वो लाइट अप हो गए। अगर गाड़ी की हेडलाइट या पार्किंग लाइट ऑन करते हैं, तो ये जो है, ये सी शेप में, उल्टे सी के शेप में यहाँ पर एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी का जो रियर है, इसमें यहाँ पर हम लोग को पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। मैं वापस बताना चाहूंगा, यह टॉप ऑफ द लाइन ZDI+ वेरिएंट है, इसलिए हम लोग को इसमें रिवर्स कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाता है। गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है, वो यहाँ पर बम्पर में नीचे की तरफ कंपनी ने काफी अच्छे से टक इन करा है। गाड़ी में डिफॉगर का ऑप्शन भी हम लोग को मिल जाता है, और ऊपर एक हम लोग को हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया जो LED यूनिट है। सिंगल पोल का एंटीना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस गाड़ी में हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। अगर चाबी जेब में, तो सिर्फ रिक्वेस्ट सेंसर को दबाना है और गाड़ी जो है अपने आप अनलॉक हो जाती है। गाड़ी के अगर ड्राइवर साइड के डोर की बात करें, तो ये वो इसमें जो स्विच का कॉन्सोल है, ये सेम कॉन्सोल है जो हमने पुराने स्विफ्ट में और अभी नई वाली डिजायर में भी देखा। कॉमन कॉन्सोल है मारुति की लगभग सारी गाड़ियों के अक्रॉस। सिल्वर कलर का डोर हैंडल हम लोग को इनसाइड यहाँ पर मिल जाता है। पूरी तरह से ब्लैक इंटीरियर मिलते हैं। गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है, ये सॉफ्ट पैडिंग के साथ में हम लोग को यहाँ पर मिलता है। नीचे स्टोरेज स्पेस और एक बॉटल होल्डर हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। डोर में ही नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक हीटर भी हम लोग को मिल जाता है। गाड़ी के अगर ड्राइवर साइड की सीट की बात करें, तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। जो सीट है, इसकी हाइट भी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो सीट का बैक है, उसको भी आगे पीछे करने के लीवर यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर फिर फ्यूल लिक को ओपन करने का हम लोग को एक लीवर दिया गया है। बूट को ओपन करने के लिए कोई लीवर नहीं दिया गया है। डेड पेडल का ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया है। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के पेडल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्पेस जो है वो अच्छा है। जो स्टेयरिंग है नीचे फ्लैट बॉटम वाले, इसको हम डिजायर में देख चुके हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिजायर में ये वुडन फिनिश के साथ आता है, यहाँ पर सिल्वर फिनिश है। लेफ्ट साइड में ऑडियो के कंट्रोल्स हम लोग को दिए गए हैं। वॉल्यूम अप डाउन ट्रैक चेंज करने का यहाँ पर नीचे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं। ट्विन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम लोग को मिल जाता है, जिसके सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम डिजायर में भी देख चुके हैं, मतलब जो पूरी गाड़ी है डिजायर के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। गाड़ी के स्टेयरिंग स्टॉक की बात करें, तो राइट साइड का जो स्टॉक है, उस पर हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ ये गाड़ी आती है, यानी कि अगर ये हेडलैम्प ऑटो मोड पे है, तो अंधेरे में जाती है हेडलैम्प अपने आप ऑन हो जाएंगे। लेफ्ट साइड का जो स्टॉक है, इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाइपर के कंट्रोल हम लोग को दिए गए हैं, आगे और पीछे के। दोनों जो वाइपर से आगे के भी और पीछे के भी, उन लोग को हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील के राइट साइड में यहाँ पर हम लोग को AC का वेंट मिल जाता है। साइड में जो डायल है, इसकी मदद से स्टैंड फैन को हम पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन ZDI और ZDI+ वेरिएंट, दोनों में स्टार्ट स्टॉप बटन हम लोग को मिल जाता है। ये जो P वाला बटन है, ये पार्किंग सेंसर को ऑन या ऑफ करने का बटन हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। और हेडलाइट का जो बीम एडजस्टर है, उसका भी डायल हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। बोनट को रिलीज करने का लीवर भी हम लोग को यहीं पर दिया गया है। टॉप ऑफ द लाइन ZDI+ वेरिएंट है, इसमें टच स्क्रीन नेविगेशन वाला सिस्टम हम लोग को मिल जाता है। सर्कुलर AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको कि हम पूरी तरह से कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। सेंटर में हजार लाइट का बटन भी यहाँ पर किया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। आसपास के जो डायल है, वो ब्लोअर और टेम्परेचर के लिए दिए, और सेंटर में हम लोग को डिस्प्ले दिया गया है।
नीचे यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट हम लोग को मिल जाता है फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए, और सिस्टम के यूएसबी रॉक्सलेरी के इनपुट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर नीचे हम लोग को कप होल्डर दिए गए हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में जो गाड़ी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। स्विफ्ट में AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता है, वो कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखता है। AMT सिर्फ ZDI और VDI वेरिएंट पर अवेलेबल है, ZDI प्लस पर भी AMT का ऑप्शन नहीं है और LDI वेरिएंट पर भी नहीं है। लोअर वेरिएंट में कुछ इस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम हम लोग को मिलता है, ब्लूटूथ का सिस्टम है सपोर्ट करता है, बट स्क्रीन और नेविगेशन का ऑप्शन इस सिस्टम में हम लोग को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ब्लूटूथ ऑक्सिलरी USB सारी मोड का सिस्टम सपोर्ट करता है। यहाँ पर गाड़ी का पार्किंग ब्रेक दिया गया है जिसके अंदर थोड़ी स्टोरेज स्पेस है। पीछे की तरफ भी हम लोग को पीछे के पैसेंजर के लिए कप होल्डर दिया गया है। इंटीरियर रियर व्यू मिरर मैनुअल है। गाड़ी में यहाँ पर हम लोग को कैबिन लाइट मिलती है जो 3 स्टेज में यहाँ पर ऑपरेट होती है। ब्लूटूथ के माइक भी यहीं पर दिए गए हैं। ड्राइवर साइड के जो सनवाइजर उसमें टिकट होल्डर हम लोग को मिल जाता है। पैसेंजर साइड के सनवाइजर में एक वैनिटी मिरर दिया गया है जिस पर कोई LED एलिमिनेशन नहीं है। रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स हम लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का जो लेफ्ट साइड है इसमें भी यहाँ पर हम लोग को सिल्वर का हाईलाइट दिया गया है। यहाँ पर एक वापस से AC वेंट दिया गया जिसको कि हम पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर सकते हैं। एयरबैग स्टैंडर्ड है। ग्लो बॉक्स जो है वो एडिक्वेट साइज का हम लोग को यहाँ पर मिल जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी के हम लोग पैसेंजर साइड के डोर की बात करें तो जिस तरह का डोर मिलता है हम लोग को यहाँ पर। गाड़ी की जो सीट की पैडिंग है वो काफी अच्छी है, काफी कंफर्टेबल सीट यहाँ पर मिलती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया पूरा इंटीरियर गाड़ी का यहाँ पर ब्लैक कलर में है। पीछे का डोर का हैंडल हम लोग को यहाँ पर ऊपर दिया गया है। पीछे का जो डोर है इसमें हम लोग को यहाँ पर नीचे एक बॉटल होल्डर दिया गया है जो मुझे काफी छोटी साइज का लगा। पीछे का जो डोर है इसमें सॉफ्ट पैडिंग हम लोग को यहाँ पर नहीं मिलती है। इस साइड जो डोर हैंडल है वापस सिल्वर कलर का दिया गया है। चाइल्ड लॉक पीछे का डोर में मिल जाते हैं। पीछे की सीट की बात करें तो 68:40 के रेशो में सीट जो ये स्प्लिट करी हुई है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे की सीट में हम लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ कंपनी ने अभी भी कोई AC वेंट यहाँ पर नहीं किया है, तो जिस तरह का लुक हम लोग को मिलता है पीछे की तरफ से इस गाड़ी का डैशबोर्ड। पीछे के पैसेंजर्स के लिए हम लोग को यहाँ पर कोई भी कैबिन लाइट नहीं दी गई है, पुरानी वाली सूट में आती थी। पीछे भी हम लोग को रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और पीछे बूट को कवर करने के लिए पार्सल ट्रे यहाँ पर हम लोग को दी गई है। पीछे की जो विजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर करा गया है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के जो माउंट है उसका ऑप्शन हम लोग को नई वाली सूट पर यहाँ पर मिल जाता है। अगर स्पेस की बात करें तो आगे की सीट जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पूरी आगे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट करी हुई है। सीट की ट्रैवल रेंज काफी अच्छी है। अभी जो सीट है हम लोगों ने जैसा देख पा रहे हैं पूरी पीछे करी। गाड़ी का जो स्टेयरिंग है ये सिर्फ टिल्ट में एडजस्टेबल है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर नहीं मिलता है। अब अगर हम लोग चले गाड़ी के पीछे की सीट की ओर तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे की सीट अभी पूरी तरह पीछे करी हुई है, तब भी पीछे की सीट पर काफी अच्छी स्पेस हम लोग को यहाँ पर मिल रही है। पुराने वाले सूट में पीछे की सीट पर स्पेस की कंप्लेन थी तो कंपनी ने उसको काफी अच्छे से यहाँ पर दूर करा है और काफी अच्छा जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेगरूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। गाड़ी के बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ZDI प्लस वेरिएंट में हम लोग को एक इलेक्ट्रॉनिक बूट रिलीज का बटन दिया गया है। अगर की सेट में है तो फिर बटन को दबाकर हम लोग बूट को ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस भी गाड़ी का जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा कंपनी ने यहाँ पर दिया है। अगर इस पर हम लोग नीचे की ट्रे को ओपन करें तो यहाँ पर गाड़ी की स्टेपनी रखी हुई है। स्टील व्हील वाली 14 इंच की स्टेपनी हम लोग को इस गाड़ी में मिलती है, जबकि गाड़ी के जो ओरिजिनल व्हील से 15 इंच के हैं। ZDI प्लस वेरिएंट में 14 इंच वाले व्हील सिर्फ हम लोग को VDI और LDI वेरिएंट में मिलते हैं। यहाँ पर पीछे हम लोग को होल्डर्स और यहाँ पर एक एल्यूमिनेशन का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है। जैसा कि मैंने बताया 60:40 के रेशो में सीट्स है तो सीट्स को फोल्ड करके स्पेस बढ़ा सकते हैं। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का सेम पेट्रोल इंजन हम लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। ये जो इंजन के स्पेसिफिकेशन है आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये जो इंजन है ये 82 BHP का पीक पावर यहाँ पर निकालता है और कंपनी ने जो फ्यूल एफिशिएंसी से इंजन की क्लेम करी है वो है 22 किलोमीटर पर लीटर की, यानी कि 17-18 के आसपास माइलेज हम लोग को सिटी में मिलना चाहिए। डीजल वेरिएंट की अगर गाड़ी की बात करें तो 1.3 लीटर का DDiS डीजल इंजन हम लोग को इस गाड़ी में मिलता है। पुरानी वाले सूट में भी सेम इंजन हम लोग को मिल रहा था। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन एज यूजुअल यहाँ पर मारुति ने अभी भी नहीं दिया है। नीचे फ्लोर क्लियरली विजिबल है। अगर इस इंजन के स्पेसिफिकेशन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो 74 BHP का मैक्सिमम पावर आउटपुट इंजन निकालता है। अगर टॉर्क की बात करें तो 190 Nm का टॉर्क हम लोग को यहाँ पर मिलता है। फिक्स ज्योमेट्री टर्बो के साथ ये जो इंजन है यहाँ पर हमको मिलता है। स्पेसिफिकेशन आप लोगों ने स्क्रीन पर यहाँ पर देख लिया। वक्त है 2018 स्विफ्ट के हमारे ओवरऑल वर्डिक्ट के बारे में। जैसा कि हमने देखा पूरी गाड़ी नई है। मार्केट प्लेटफॉर्म जो मारुति का है, जो हमने ऑलरेडी बेलेनो और डिजायर में देखा उस पर ये गाड़ी यहाँ पर बेस्ड है, बट गाड़ी में कई जगह अभी भी कॉस्ट कटिंग हम लोग को यहाँ पर दिखी। पुरानी गाड़ी से कंपेयर करें तो जैसे कि डोम वाली कैबिन लाइट कंपनी ने यहाँ पर कट कर दी है। गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी यहाँ पर हो सकती थी। ऑल्दो मारुति ने काफी कुछ इम्प्रूव करा है यहाँ पर, बट अभी भी अगर हम लोग i20 से अगर इस गाड़ी को कंपेयर कराएं ना, i20 ऑल्दो प्रीमियम रेंज में हो जाती है बट तो भी गाड़ी जो है थोड़ी सी पीछे है यहाँ पर। हालांकि गाड़ी काफी अच्छी कंपनी ने कर दी है। अगर पुराने वाले स्विफ्ट से बात करें गाड़ी के जो स्पेस है और लेगरूम है वो काफी अच्छा हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है, बट अभी भी कई मेजर्स हो जैसे कि इतना सब करने के बाद भी रियर में एसी वेंट कंपनी यहाँ पर नहीं दे रही है। एक सेगमेंट नीचे की आईटीएन में भी आजकल रियर एसी वेंट हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है।
गाड़ी जो है थोड़ी सी अंडर पावर्ड भी है, अब मारुति को जरूरत है कि जो इंजन है जो मारुति काफी टाइम से यहाँ पर स्विफ्ट में देती आ रही है उनको थोड़ा सा अपग्रेड करे। 74 bhp का डीजल इंजन कंपनी यहाँ पर देती है और 82 bhp का पेट्रोल इंजन कंपनी इस गाड़ी में दे रही है। पेट्रोल इंजन तो भी ठीक है, पर डीजल इंजन को कंपनी को यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत हम लोग को लग रही है। गाड़ी की प्राइसिंग की अगर बात करें तो गाड़ी की प्राइसिंग कंपनी ने काफी अच्छी यहाँ पर लिखी है, बेलनो से सस्ती पड़ रही है ये गाड़ी और पड़ना भी चाहिए क्योंकि बेलनो एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक है और स्विफ्ट जो है वो नॉर्मल हैचबैक है। तो ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आप लोग को ये जरूर हम लोग को कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हम लोग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग ने हमारी वेबसाइट को रोल आउट कर दिया, उसकी लिंक आप लोग को नीचे दिख रही होगी, आप लोग उस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। वहां पर आप लोग को जो भी लेटेस्ट कार वर्ल्ड से ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में चल रहा है वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।